कारा फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि अभी हम जिस जगह पे मौजूद है ये सीवर का तरियानी छपरा गांव है और यहां पर देखिए किस प्रकार से जो है बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और देखिए कि लोगों के घर में पानी घुस चुका है और देखिए कि लोग किस प्रकार से लाठी डंडा के सहारे यहाँ पे जा रहे हैं। गैस चूल्हा सिलेंडर सब दहा गया, बच्चा के लेके हम तो रोड पर बौआ रहे हैं। खाना मांगने जाते खाना भी नहीं देता हम लोग के, कहते खाना नहीं देंगे, बैठ के खाएंगे, बेटी पुतो के बैठ के खाएंगे, हम नहीं खाएंगे बैठ के, घर पे खाना देना है नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे। चार आदमी वोट देते हैं, कहते हैं एक आदमी खाना खाने के लिए, हम एक आदमी भी वोट नहीं देंगे, बात खत्म। तो देखिए कि कितना ज्यादा लोगों को परेशानी हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। ना खाना देता है ना कुछ देता है, घर में पानी रुका भूखे सरका पर गोले पानी हल के घर अथी कर रहा छी। खाता नंबर दीजिए और पैसा डालिए, हम लोग का जगह जमीन के व्यवस्था करिए, हम लोग रोड पर बहुआ रहे हैं, कुछ नहीं है हम लोग के। खाता नंबर लीजिए, सबके खाता नंबर पैसा डालिए, राशन। तो लाठी डंडे के सहारे लोग गाँव में जाते हैं और गाँव की हालत काफी ज्यादा दयनीय है, पानी घुस चुका है और देखिए कि गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास किंग कवि जी भी है, आज पानी में ये भी आए हैं, पानी में चल रहे हैं। कवि जी पानी में चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई नेता जीता हुआ हारा हुआ सब लोग हैं, यहाँ सांसद विधायक है, लेकिन कोई नेता यहाँ इनके दर्द देख नहीं आया है। सब लोग आ रहा है मेन रोड पर से बाजार घिंचा करके लोग जा रहा है, लेकिन जा करके किसी के घर में किसी के दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोगों को है कि भोजन के लिए लोगों को शिकायत नहीं मिल रहा है, भोजन के लिए मांगने वहाँ तो कहता है कि एक आदमी को भोजन मिले, बताइए परिवार है तो वोट सब लोग देगा तो भोजन वहाँ सबको ना दीजिएगा कि परिवार में वो तो मैंने भोजन दीजिएगा। बताइए प्रशासन के लोग है तो उन लोगों पर हंसता है। दूसरी बात ऐसा है कि बोलते है ये जो उठा लगाया उसी को भोजन मिलेगा, तो घर में जाने वाला बाहर पानी हेल के जाने वाला एक आदमी होगा, पांच आदमी भूखा घर में रहेगा, सबको राशन मिला चाहिए, उठा लगवाने रहता, नैतिकता होना चाहिए, संवेदन माने संवेदनशील होना चाहिए लोगों को, इतना संवेदना होना चाहिए कि भाई इन लोगों को भोजन तो कम से कम बिना उठा लगा ले दिया जाए कि भोजन उठा लगवा के दीजिएगा। न औकात है तो अपन बोरिया वस्त्र समटिया जाइए, हम लोग चंदा मांग के इन लोगों को भोजन कराएंगे, प्रशासन अपन बोरिया वस्त्र बांधे जाए यहाँ से। सरकार से अनुरोध यही है कि पहले बांध को रिंग बांध के जैसे बांध करके उस पानी को रोकिए जिससे हमारा गांव का हालात पहले हो, जब तक नदी का बांध बंधाएंगे नहीं गांव का समस्या हल नहीं होने वाला है, पहले उसको बांध को बंधाइए कि गांव में चलता हुआ पानी रुके, इसका लोग आए तो निर्यात का रास्ता हो। बिल्कुल, तो देखिए कि काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और काफी खतरनाक कह सकते हैं कि लोग लाठी डंडा के सहारे जो है गांव में जाते हैं और जिस गांव में है उस गांव की तस्वीर जरा आप देखिए और ये जो लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए किस प्रकार से लोग जाते हैं और अपने घरों पे जाने के लिए मजबूर है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, लोगों में कहने का जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और देखिए कि जैसे ही यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनके भी खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है, बांध टूट गया है और पानी घुस रहा है, यहाँ घर है देख रहे हैं इनका घर है और घर में देखिए कि कितना तेजी से पानी का किस रफ्तार से पानी चल रहा है, लेकिन नेता लोग फोटो खिंचाने के अलावा इनका दुख दर्द समझने कोई नहीं आने वाला है। लोग आता है फोटो खिंचा रहा है जा रहा है, कॉफी में बना कॉफी में खाओ, घर में धार फोड़ देला, सब खत्म हो गए, नजर के सामने में है, हम तो कहाँ जाओ अन्ना, तो जब सरकार के मुँह आवे तो अच्छा तरह से जोर दे के मुला मुझा मुआ जो हम हो सके तो सरकार के खर्च नहीं होगा की तो पब्लिक के मुआवजा चाहते तो जहर देके मुआ दीजिए, अना तो जाने के चाहते तो अच्छा ढंग से जियाइए घर पर सब। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेलसन विधानसभा के छपरा तरियानी पंचायत है जहां सबको तस्वीर दिखा रहे हैं और लोगों में काफी ज्यादा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और देखिए कि कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी भी है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है और इसके साथ साथ जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनके भी खिलाफ कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये शिवर जिला के छपरा तरियानी से भोजन मिलेगा, क्या हुआ देखिए एक व्यक्ति है काफी ज्यादा रो रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या हुआ बोलू ना।
खाना भी मिला, घर भी मिलना चाहिए, खाना भी था, कुछ नहीं मिला, कार भी बनाना चाहिए। देखिए क्या तस्वीर है और देख देख के आप खुद रो देंगे। इस प्रकार की तस्वीर है, बुढ़ी औरत पानी हेल कर भी नहीं जा सकती खाना लेने के लिए, और बोलते हैं कि उसको भी लाओ अंगूठा लगाओ तो भोजन मिलेगा, क्या उचित है? सरकार घर से सब चीज आते हैं, बाकी पब्लिक यहाँ नहीं मिलते हैं, ऊपर सुपर खा जाते हैं, और सब सबूत पब्लिक के गरीब के सब जाता है, बाकी सरकार के तरफ सामान से एक को गरीब के नहीं मिलता है, खाली नाम के लिए पब्लिक के लिए सब चीज लिखा के जाता है, सब पब्लिक के दे दिया गरीब के, और सब खाता है पैसा वाला, पैसा वाला खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तस्वीर देख रहे हैं छपरा तरियानी से, जहाँ की तस्वीर साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से लोगों में कहने के आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से खाना की व्यवस्था नहीं कराई गई, हालांकि ये भी कहना है कि अब अंगूठा लगा कर ही खाना मिलेगा, तो जो बुजुर्ग है उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये तस्वीर देखिए, ये आपको लाइव तस्वीर, घर टूट गया है लेकिन भोजन तक देने के लिए कोई तैयार नहीं है। भोजन के लिए पांच आदमी सात आदमी परिवार में है, कहता है एक आदमी को भोजन देंगे तो बच्चा को कौन खिलाएगा, कहां से लाएगी, तो खाना पूर्ति करना ही बंद करे प्रशासन और धरातल पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए, नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लोग मानेगा नहीं, आप रहे हैं आप बाढ़ से जुड़ा हुआ तस्वीर जो भी होगा आपको आगे भी दिखाएंगे, और क्या स्थिति है वर्तमान में गांव की उस तस्वीर को भी आपको दिखाएंगे। बन रही है फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।